Good morning, students, and good morning, friends. Today is 30 of January 2020. So, चलिए आज का जितने भी important topics हैं current affairs से related, जो कि government examination point of view से important हो सकते हैं, इस video में discuss किया गया है. और I request everyone to watch this video till end. आप इसे कृपया एंड तक इस वीडियो को देखें, सो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस मिलेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस. ओके, सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल. उससे पहले रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे का. ये है 29 ऑफ जनवरी 2020 का क्वेश्चंस, यस्टरडेज क्वेश्चन. सो डिटेल आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियोज में, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है. So the question is, International Children's Film Festival was recently inaugurated in which South Asian country? ठीक है, ये किस देश में हुआ है? अभी हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है, right? भारत ने किस देश के साथ असुगंज अखौड़ा सड़क को 4-lane राजमार्ग में अपग्रेड करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है? भारत ने किसके साथ किया है? ये जो रोड है वो कहाँ, वो बांग्लादेश के साथ किया है इस रोड को, मींस अखौंजा अखौरा, ठीक है, असुगंज अखौरा रोड जो है इसे, ठीक है, इसको 4-lane में कन्वर्ट करने के लिए. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस एयरलाइंस में अपनी 100% प्रतिशत जो है ना, 100% हिस्सेदारी बेचने का पेशकश किया है? किस किसका शेयर? वो एयर इंडिया का, ठीक है. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति के अपराधीकरण पर अंकुश लगाने के लिए किस विभाग को तंत्र बनाने को कहा है? तंत्र मींस फॉर्मूला और मींस रूल्स बनाने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है. ओस्लो एकॉर्ड्स का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में वो न्यूज में था, तो ये ओस्लो अकॉर्ड्स जो हुआ है, द ट्रीटी दिस साइन बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन. ओके, और नागार्धन खनन जो एक्सकवेशन भारत के किस शहर से संबंधित है? तो वो ये कहाँ है ये एक्सकवेशन? अभी ये हाल में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका एक्सकवेशन किया है. सो ये कहाँ है? ये है नागपुर में, ठीक है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? लाला लाजपत राय का जन्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 28 ऑफ जनवरी को. अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पानी के नीचे मेट्रो प्रोजेक्ट किस शहर में जल्दी शुरू होगा? किस शहर में होगा? वो होगा कोलकाता में, ठीक है. आईबीएम मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो सुनील मेहता को किया गया है. किस देश ने स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI को सबसे बड़े हथियार निर्माता के रूप में रिपोर्ट किया है? तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसने सबसे बड़े है, मींस लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स, तो वो है US को, ठीक है. सो US इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वेपन्स. CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य कौन सा है? ठीक है, वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है. अगर ये सब है जो भी है, ये प्रीवियस डे के रिवीजन करंट अफेयर्स हमने किया, आप इसके डिटेल आप देखने चाहते हैं आप उसके बारे में, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं 29 ऑफ जनवरी का, ठीक है. चलिए आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ना. फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक्सिट मनाने के लिए ब्रिटेन ने अभी हाल ही में सेलिब्रेट करने के लिए क्या, ये कौन सा क्वाइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शंस आर, हियर आर द ऑप्शंस. तो कौन सा क्वाइन है? वो है 50 पेनिस क्वाइन, ठीक है. आप उसका इमेज भी देख सकते हैं, ये क्वाइन. सो अभी हाल कुछ ही मंथ में ब्रिटेन ब्रेक्सिट हो जाएगा, ठीक है. ब्रेक्सिट ग्रुप से, यूरोपियन नेशन से इसका एग्जिट हो लेगा, तो इसको वो सेलिब्रेट करने के लिए 50 पेंसी क्वाइन को इंट्रोड्यूस किया. सो इमेज यू कैन सी ओवर हियर. अगला क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू USA, ठीक है. संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी किसे किया गया है?
तरनजीत सिंह को, ऑप्शन बी तरनजीत सिंह, राइट। एंड यू कैन सी हिज इमेज ओवर हियर, ठीक है। इससे पहले कौन थे, इससे पहले ये किन्हें रिप्लेस कर रखी है इनको, हर्षवर्धन श्रृंगला को, ठीक है। एंड करेंटली ही इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू श्रीलंका, अभी श्रीलंका में हाई कमिश्नर टू इंडिया है, ठीक है ये। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंड्स इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को और किसी भी फ्रेंड्स को शेयर करें इसे, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके। सो नियर डिस्क्रिप्शन यू कैन सी द सब्सक्राइब बटन, एंड बिसाइड दैट एक बेल आइकॉन भी आपको दिखेगा, उसे भी हिट कर लें तो जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी चैनल पे आपको एक नोटिफिकेशन चला जाएगा, सो यू कैन वॉच इट राइट अवे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सब्सक्राइबिंग एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल इज टोटली फ्री, ठीक है। आपको कोई भी चार्जेज, किसी तरह की कोई चार्जेज नहीं लगती चैनल सब्सक्राइब करने में। आप राइट बॉटम में आप देख सकते हैं एक रेड बटन, सो वो सब्सक्राइब बटन है, आप उसको क्लिक करें और आप ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब कर लेंगे। सो जो भी जब भी न्यू वीडियो अपलोड होगा चैनल पे आपको एक छोटा सा नोटिफिकेशन चला जाएगा, सो यू विल नॉट मिस दिस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इन एवरी मॉर्निंग। वी आर अपलोडिंग एवरी मॉर्निंग अराउंड 5 AM करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एनिमल वार मेमोरियल इज टू बी सेट अप, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक किस शहर में स्थापित किया जाने वाला है, किस शहर में किया जाने वाला है, वो मेरठ में किया जाने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीड दीज स्टूडेंट्स मोटिवेशनल कोट, सो ऑलवेज बी मोटिवेटेड, motivated, be positive, and in positive mind do your preparation, work hard smartly, and आपको कोई भी related education से related, पढ़ाई से related कोई भी query हो और कोई time management कैसे तैयारी किया जाए, किस तरह start किया जाए examinations, current examination, then you can ask in the comment section. So ठीक है अगला question देखते हैं, who has been conferred with हरित रत्न अवार्ड, ठीक है। अभी हाल ही में हरित रत्न अवार्ड किन्हें मिला है, वो मिला है डॉक्टर डी डॉक्टर एन कुमार को, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये यू कैन सी द इमेज, वो है एन कुमार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रिसेंटली इनॉग्रेट्स इंडियाज फर्स्ट सुपर फैब लैब, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली सुपर लैब का उद्घाटन किया है, कौन सा राज्य ने किया है, वो है केरला, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो केरला हु आया, सो हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, पिनरिया विजयन, ठीक है। एंड हु इज द गवर्नर ऑफ केरला, आरिफ मोहम्मद खान, एंड कैपिटल ऑफ केरला इज त्रिवंधापुरम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, Which of the following song won Grammy Award 2020? Grammy Award 2020 under Song of the Year category में कौन सा song Grammy Award 2020 को ये से दी गई है, किस song को, वो Bad Guy, option A is the correct answer, ठीक है। So ये जो Grammy Award हुआ 2020 में वो कितना था, वो 62वां था, ठीक है, 62nd award था वो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इमिनेंट असामीज लिंग्विस्टिक एंड एकेडमिशियन हु हैव पास्ड अवे रिसेंटली, प्रख्यात असमिया भाषाविद एंड शिक्षाविद का क्या नाम है जो हाल ही में निधन हो गया जिनका, तो आप उनका इमेज देख सकते हैं और उनका नाम है गोलक चंद्र गोस्वामी। So, and अगला क्वेश्चन है, which Indian theater personality has been selected for the French honor of Knight of the Order of Art and Letters? So, अभी हाल ही में, ठीक है, ये फ्रेंच ऑनर है और किस इंडियन नेशनल इंडियन ओरिजिन थिएटर पर्सनालिटी को ये मिला, वो मिला है संजना कपूर, आप इमेज में देख सकते हैं, सी इज दैट लेडी। So she has got this great honor from French. The name of this honor is Knight of the Order of Art and Letters. Okay, very important for any government examination. So all these questions are very helpful. You know already these are
any government examination. So stay tuned with us. So if you have not subscribed till now, so आप कृपया subscribe कर लें. Subscribe is totally free. आपको कोई भी charges नहीं लगता, कुछ भी charges नहीं लगता subscribe करने में. ठीक है, like करें, share करें इस video को, ठीक है, अपने friends को और family members who are preparing for the government examination. ठीक है, आप near description में आपको एक subscribe button मिलेगा, beside that a bell icon भी मिलेगा, तो उसे भी जरूर hit कर लें. वो बहुत जरूरी है, अगर आप हिट नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगी. ठीक है, और ये राइट साइड में, राइट बॉटम में एक रेड बटन भी होगा, आप यहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लिक करके, सब्सक्राइब बटन. ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वंडरफुल डे अहेड स्टूडेंट्स, एंड सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.